नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इधर मैं बात करती ना, तेरे बात करने का तरीका इंसान है, तू डायरेक्ट शटर डाउन कर रहा। इधर मैं बात करती हूं, पहले बनती है तुम्हारे आने से बनती है शटर। ये लोग थे तभी मैं शटर बंद किया, इनके वजह से मैं रुका। तुम बताओ दो ना, मैं इनके बाहर रहता नाते पे, मैं काम पे जाता हूँ। इनको बोला तो मेरी बीवी को बोलता है कि तुम अकेले आएंगे तो भी चलेगा, बोलता करके तुम्हें भाई नहीं आएंगे चलेगा, तुम अकेले तो भी चलेगा। डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी पर, कंपाउंडर चला रहा है क्लिनिक, महिला मरीज का कंपाउंडर पर छेड़खानी का आरोप, नालासोपारा संतोष भवन की धक्कादायक घटना, वसई विरार अंतर्गत बोकर डॉक्टर प्रकरण में एक और नया मामला आया सामने। नालासोपारा के संतोष भवन परिसर में एक प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के एवज में उसके कंपाउंडर द्वारा मरीजों की जाँच किए जाकर दवाइयाँ देने का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि संतोष भवन अंतर्गत बसी रहवासी चाल क्षेत्र में राकेश कुमार सिंह नाम के डॉक्टर का इंदिरा क्लिनिक है। इस क्लिनिक में डॉक्टर के बजाय वहां काम करने वाला कथित कंपाउंडर, जिसके मेडिकल क्षेत्र में किसी तरह की कोई पढ़ाई की जाने के सबूत नहीं होने का पूरा अंदेशा है, वह व्यक्ति क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की जाँच कर दवाइयाँ देता था। दो दिन पहले क्षेत्र में आसपास रहने वाली महिला इस क्लिनिक में इलाज के लिए गई, तब उस कथित कंपाउंडर ने महिला की जाँच कर दवाई दे दी। महिला का आरोप है कि उस कंपाउंडर द्वारा दी गई दवाई की महिला को साइड इफेक्ट हो गया, तब महिला को क्लिनिक पर शक हुआ और महिला क्लिनिक में गई और उस मामले का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले को रिपोर्ट करने गए मीडिया कर्मियों ने कंपाउंडर से सवाल किया, तब कंपाउंडर ने महिला की जांच किए जाकर दवाई दिए जाने की बात कबूल की एवं क्लिनिक संचालक डॉक्टर के दूसरे अस्पताल में ड्यूटी पर होने को कहा। इस मामले की पीड़िता महिला ने कंपाउंडर द्वारा जांच के समय अश्लील हरकत किए जाने का आरोप भी लगाया। ज्ञात हो पिछले कुछ समय से वसई विरार अंतर्गत बोगर डॉक्टर प्रकरण सामने आते रहे हैं, जिन पर कार्यवाही की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके बाद अब इस प्रकरण में प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा इस पर सभी की नजर रहेगी। हालांकि मामले में अब तक किसी तरह की पुलिस शिकायत की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट सैफ न्यूज लाइव। क्या पता चला है, क्या दिक्कत है, क्या पता चला? मेरा नाम मयूरी जाधव है। आपको तीन दिन पहले कुछ तकलीफ हो रहा था, बुखार वोमिट वगैरह, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्टर है उनके पास आई थी। उनके पास आने के बाद उन्होंने चेक वगैरह किया, चेक करने का तरीका भी बहुत अलग था इनका, तो इनकी जो मेडिसिन थी उससे मेरे को रिएक्शन हो गया और दो दिन में उठ ही नहीं पाई उसमें से, लूज मोशन उल्टी वगैरह उसमें से। और आज हम तीसरे दिन उनके पास आए हैं तो उनका ये कहना है कि मैंने चेक नहीं किया, और उसके पहला उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने ही मेरे को तीन दिन पहला चेक किया। और अभी उनसे मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि वो डॉक्टर रहेंगे, क्योंकि वो बोलते मैं यहाँ पे बैठता नहीं हूँ, मेरे दूसरे है सर वो आते, और यहाँ पे जब आजू बाजू वालों को पूछा तो वो बोल रहे हैं कि वही डॉक्टर है करके, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट अभी उनके जो सर आ रहे हैं उनसे बात करके मालूम पड़ेगा कि पेशेंट को यही चेक करते हैं। पेशेंट को यही चेक करते हैं। क्या तरीका था, आप बोले कि अच्छा तरीका? एक्चुअली मैं आई थी यहाँ पे तो जब जैसा डॉक्टर चेक करते वैसा ही चेकिंग होना चाहिए, बट उनका सीने के साइड ब्रेस्ट के साइड बहुत अलग ही चेकअप था उनका, एकदम मतलब डॉक्टर जैसा चेक करते वैसा चेकअप नहीं था उनका, एकदम दबा दुबा के था। तो उनको मैंने पूछा तक भी, तब उन्होंने इतना ही कहा कि नहीं ऐसे ही चेक होता है, यही तरीका है। तो मैंने उसको बोला ही नहीं, फिर उन्होंने मेरे को ये बोला तुमको इंजेक्शन देना पड़ेगा, आपकी तबीयत ज़्यादा कुछ ये है तो आप आना नेक्स्ट डे, पर आपके भाई को लेके मत आना, तो आप अकेले आना। तो मैं ये बात से मैं डर गई, तो मैंने आज मेरे भाई को लेके आई साथ में कि ऐसा ऐसा डॉक्टर है, ऐसे ऐसे बोला आप चलो। अब जब आए हम उसके पास तो वो बोलता है कि मैंने चेक ही नहीं किया, बट अभी थोड़ी देर पहले उसने कबूल किया कि उसने मुझे चेक किया करके। डॉक्टर नहीं है तो भी उसके आदमी चेक करे, कितना हानिकारक है लोगों के लिए, और क्या मांग है आपकी इसके ऊपर? मुझे तो यही कहना है कि जो ये आजू बाजू वाले जो है जो बिना फालतू सपोर्ट करे, पहला तो देखो डॉक्टर की डिग्री है या नहीं, क्योंकि ऐसी MBBS की BHMS की ऐसी बहुत सारी डिग्री मिल जाती है 1200-2000 में। तो जो कहीं जा रहे भले वो 30 रुपए ले या 20 रुपए ले, पर डॉक्टर अच्छा है क्या वो है? आज वो डॉक्टर की दवाई से इंसान ठीक हो रहा है, बट उसका रिएक्शन हो जाएगा तो डॉक्टर हाथ ऊपर करेगा, जैसे अभी उसने मेरे इसमें किया। तो मेरा यही है किधर भी रहो, कौन से भी एरिया में रहो, भले वो स्मगलर एरिया हो कौन सा भी हो, बट उधर थोड़ा जो जाओगे तो वो डॉक्टर को जो अच्छा है नहीं है वो देखना है, वो 30 रुपए ले या 20 रुपए ले। आज मेरा नाम संतोष है, मेरी बहन को मैं 3 दिन पहले लेके आया था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इधर आया डॉक्टर के पास ऐसा देखा नहीं, बोले चलो जान दो, सब लोग पब्लिक आ रही है इधर, हम लोग आए इधर और जाओ डॉक्टर के पास गया, हम लोग का नंबर आया तो बोला अंदर आ जाओ करके, तो क्या हो गया
तो मेरा चक्कर भी कर आता है, गिर जाती है, अचानक ये हो जाता है, बुखार आता है, ठंडी बुखार पड़ता रात को, तो ना ठीक है लेट जाओ। लेट जाने गया तो बेल्ट आता है टाइट करने वाला, वो लगाया था उन्होंने, वो लगाया तो भी प्रेशर नहीं था कुछ, खाली ऐसे चेक किया। और डॉक्टर नॉर्मली कैसे चेक करते हैं, ऐसे ऐसे चेक करते, इन्होंने ऐसा ऐसा सब चेक किया और नीचे के बाजू तक क्या ऐसा चेक किया, तो मेरे को थोड़ा डाउट है। मतलब डॉक्टर क्या मतलब, कोई टेंशन मत लो, चेक कर रहे हैं, बताते हैं हम, इससे बड़ी बड़ी समस्या हमने सॉल्व की है, हम इधर के डॉक्टर है, मेरे को तभी ऐसा बोला। फिर बाद में फिर दवा दिया, पर्ची दिया, पर्ची में भी लिखा है इसमें ना डॉक्टर का नाम है ना पेशेंट का नाम है, ब्लैंक पर्ची दिया, उसमें मैंने फोटो निकाल के रखा कि डॉक्टर का है, मेडिकल से कल की कुछ हो गया तो उसका जवाबदार कौन, तो मैंने पर्ची निकाल के रखा था। और डॉक्टर को बोला, डॉक्टर क्या है, बोला एक काम करो, अब ये दो तीन दिन का दवा दिया हूँ, चेक करो, अगर नहीं फिर फर्क गिरा तो बहन जी आप आ जाना और अकेले आना, भाई कौन मत लेके आना साथ में, ऐसा बोला। फिर हम लोग मेडिकल से दवा लेते और उसका चिट्ठी में ये लिखा है। अभी क्या पता चला है आपको वो डॉक्टर, ये डॉक्टर की पर्ची है। फिर तुम एक काम करना, भाई को मत लेके आना, कल तुम अकेले आएंगे तो भी चलेगा, मैं इंजेक्शन दे दूंगा। और ऐसा ऐसा चेक करता है, उसने मारने वाली थी ऐसा, डॉक्टर क्या डॉक्टर का क्या है, ऐसा ऐसा चेक करता है। और बाद में जो लगाया था ना उसमें, ये उसमें भी क्या मालूम है, प्रेशर भी नहीं था, बस ऐसा पट्टा लगाया और बोलता है बहुत बड़ी समस्या है, तुम टेंशन मत लो, मैं इससे भी अच्छा अच्छा समस्या सॉल्व किया है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मेरे को तो अभी डाउट आया कि ये नक्की डॉक्टर के कौन है। फिर दवा देता है बाहर से लिख के, आयुर्वेदिक का 300 रुपया लिया दवा का। हेलो भाई, और यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे यही रहते हैं या कोई और आता है? नहीं कोई और नहीं आता है, यही 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 बताया आपसे। हाँ, यही डॉक्टर रहते हैं, यही चेक करते हैं। पहले नाम बताओ, क्या नाम है आपका, और महेश गुप्ता। यहाँ के डॉक्टर कौन है, कोई दूसरे डॉक्टर है? नहीं नहीं यही है। ये कैसे चेक करते हैं? आला लगा के चेक करते हैं। चेक करते जो है कि मेरे सर हैं उनके साथ में रहता हूँ असिस्टेंट, उस दिन आए ये तो बोले सर ऐसा है, तो इनको नॉर्मली विटामिन का कैप्सूल में दिया, बाकी कुछ नहीं। बाकी लोगों के ऐसे कंप्लेंट से ऐसे बोल रहे हैं कि आप ही चेक करते हो उनको, आप ही दवाई देते हो? ऐसा नहीं, अगर सर नहीं है तो वो देख लेते, जैसे नॉर्मल है अगर तो मैं जैसे इनको विटामिन का कैप्सूल सिरप वगैरह दे दिया, तो बाकी अगर वैसा केस है तो सर को बुलाता हूँ, वही देखते हैं सब। बाकी पेशेंट आप चेक करते हैं? नहीं नहीं, काम वही होम्योपैथ में दे देते। अभी तो आपने यही बोला कि बाकी पेशेंट में यही चेक करता हूँ। सब पेशेंट में कैसे करूँगा, बाकी पेशेंट में बाकी नहीं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका काम क्या है यहाँ? दवा के लिए, दवा देना, दवा देना मेरा काम है बस। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे